जेनिफर की मौत के बाद अकेले पड़ गए थे शशि कपूर। मरते दम तक याद रहा पहली नजर का प्यार। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। करीब ढाई दशक तक अपने अभिनय से लोगों को अपना दीवाना बनाने वाले शशि कपूर की आज जयंती है। 60 और 70 के दशक में उन्होंने जब जब फूल खिले, कन्यादान, शर्मिली, आग गले लग जा, रोटी कपड़ा और मकान, चोर मचाए शोर, दीवार, कभी कभी और फकीरा जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। अभिनय के लिए शशि कपूर को 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिला। शशि कपूर और जेनिफर कैंडल की लव स्टोरी 1956 से शुरू हुई। उसके बाद शशि कपूर अपने पूरे जीवन भर इसी मोहब्बत से बाहर नहीं निकल पाए। शशि और जेनिफर की पहली मुलाकात रॉयल ओपेरा हाउस में हुई थी। जेनिफर यहां अपनी फैमिली के साथ नाटक देखने आई थी। शशि के मुताबिक वे उसे देखते ही दिलोजान से उस पर फिदा हो गए। लेकिन तब पृथ्वी थिएटर में काम करने वाले शशि कपूर की कोई बड़ी पहचान नहीं थी। उनकी उम्र महज 18 साल की थी। दूसरी तरफ जेनिफर अपने पिता जेफरी कैंडल के थिएटर समूह की लीड अभिनेत्री थी। इसके बाद दोनों की मुलाकातें लगातार बढ़ती गई। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ता गया। इस प्यार के चलते ही शशि कपूर अपने होने वाले ससुर की थिएटर कंपनी से भी जुड़ गए। लेकिन जेफरी कैंडल अपनी बेटी को लेकर काफी पॉसेसिव थे और नहीं चाहते थे कि शशि कपूर की उनसे शादी हो। फिर एक दिन जेनिफर ने शशि कपूर के लिए अपने पिता का घर छोड़ दिया। 1958 में शशि कपूर और जेनिफर की शादी हो गई। हालांकि इधर कपूर खानदान भी विदेशी बहू को लेकर सहज नहीं था, पर शशि कपूर की जिद के आगे सबको हार माननी पड़ी। एक साल के अंदर शशि कपूर पिता बन गए। 1982 में जेनिफर कैंसर की चपेट में आ गई। शशि कपूर ने मुंबई से लेकर लंदन तक के डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन 7 दिसंबर 1984 को जेनिफर का निधन हो गया। इसके साथ ही शशि कपूर की दुनिया में एक ऐसा सुनापन आ गया जो उनकी मौत तक उनके साथ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। For more interesting and updated Bollywood news, please subscribe Indian Film History YouTube channel.